नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का गुरु ज्ञान पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त संतोष बिश्नोई हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, RPSC द्वारा राजस्थान और भारत की पॉलिटी के जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी हमने एक लंबी सीरीज बना रखी है और इस सीरीज का ये 43वां वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट परीक्षा 2013, जिसमें पॉलिटी थर्ड पेपर की, और इस पेपर में पूछे गए राजस्थान और भारत के पॉलिटी के प्रश्नों की। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए सीधा लिए चलता हूँ आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आज के इस पेपर में आपको रियल में बहुत मज़ा आने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। नंबर एक, संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। नंबर दो, इसकी बैठकें 146 दिन हुई। दोस्तों, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, क्या होगा उत्तर? केवल एक सही है, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो हमारी संविधान सभा है, जिसने संविधान बनाया था, इस संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी बैठक की जब भी बात होगी तो दोस्तों, बैठक हुई थी 105, वेरी इंपॉर्टेंट, न कि 146। यहाँ से 146 हटा करके 105 याद रखें। इस प्रकार से उत्तर नंबर एक होगा। और दोस्तों, हमारी जो संविधान सभा ने कुल 12 अधिवेशन और 105 बैठकों में हमारे संविधान का निर्माण किया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे पूरे संविधान बनाने में। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अधिवेशन कितने हुए? 12, और बैठ के 105, ये उत्तर नंबर एक होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, संविधान सभा में कुछ मुद्दे को सुलझाने के लिए मुंशी आयंगर फार्मूले का प्रयोग किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर दो होगा, संघ की राजभाषा। दोस्तों, मुंशी आयंगर फार्मूला क्या था? दोस्तों, 12 सितंबर 1949 की बात है, जब कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और श्री एन गोपाल आयंगर दोनों ने मिलकर के एक सूत्र दिया था राजभाषा से संबंधित। इसमें यह कहा गया था कि 15 वर्षों तक हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे, 14 सितंबर 1949 का दिन था जब हमारी संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया, यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कानून के समक्ष समता प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में निम्नांकित में से क्या शामिल नहीं है? नंबर एक, सीमित सरकार। नंबर दो, कानून का शासन। नंबर तीन, नियंत्रण एवं संतुलन। नंबर चार, युक्त वर्गीकरण। दोस्तों, अब एक बात इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, आर्टिकल 14 में दो बातें हैं। नंबर एक है कानून के समक्ष समानता, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। दोस्तों, इसमें न्यायपालिका द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के सम्मान व्यवहार, यानी सभी व्यक्तियों के साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा, व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यानी सभी के लिए कानून समान है। और कानून का समान संरक्षण का मतलब है दोस्तों, कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और दायित्वों के संदर्भ की यदि बात करें तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, यानी सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून का प्रयोग किया जाएगा। ये हमने अमेरिका से लिया है, यानी USA से लिया है। दोस्तों, बात चल रही थी कानून के समक्ष समानता की, तो इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट भी होगी, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ होगा, युक्ति युक्त वर्गीकरण होगा, लेकिन
नियंत्रण और संतुलन नहीं होगा, उत्तर नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। राजनीति के निदेशक तत्वों में कौन सा तत्व किसी संशोधन से पहले संविधान में मूलतः विद्यमान था? चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, ये चारों के चारों नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से कोई एक जो कि बिना संविधान संशोधन के यानी मूल रूप से संविधान में लागू था वो बताना है। नंबर एक, निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों ये तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में दोस्तों 39A में इसका उल्लेख है। समान अवसर के इस आधार पर सम्मान के न्याय, ये भी दोस्तों 39 में ही है और 39A के अंदर दो बातें लिखी हुई है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये दोनों एक ही बात है दोस्तों। तीसरा है वनों की रक्षा, दोस्तों ये आर्टिकल 48 के अंदर शामिल है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण संरक्षण है वन्य जीवों का संरक्षण का प्रयास। दोस्तों इस प्रकार से उत्तर नंबर 4 होगा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, दोस्तों ये आर्टिकल 42 में है। हमारे इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का क्या है? दोस्तों आपको याद होगा तीन आर्टिकल में बताना चाहता हूँ, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। ये तीन आर्टिकल ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों को बताते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 78 की। 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है दोस्तों, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो देश के शासन प्रशासन और मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों की समय समय पर राष्ट्रपति को क्या देगा, जानकारी देगा। आर्टिकल 78 दोस्तों ये कर्तव्य है किसका, प्रधानमंत्री का, उत्तर नंबर 1 कर्तव्य होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की कौन सी स्थितियों का उल्लेख है? नंबर 1 युद्ध व सशस्त्र विद्रोह, नंबर 2 युद्ध व आंतरिक अशांति, नंबर 3 बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, नंबर 4 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 36वां जो क्वेश्चन है उत्तर नंबर 4 होगा, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। दोस्तों इस बात में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है आर्टिकल 355 में कि यदि बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य की रक्षा या संरक्षा या सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें, आर्टिकल 355, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राज्यसभा के सदस्य संबंध नहीं होते। नंबर 1 लोक उपक्रम समिति से, नंबर 2 लोक लेखा समिति से, नंबर 3 प्राकलन समिति से। तीनों की तीनों वित्तीय समितियां होती है संसद की, तीनों की तीनों फाइनेंशियल कमेटी है संसद की। यदि हम बात करें लोक उपक्रम समिति की, दोस्तों लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, अर्थात इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है मीनाक्षी लेखी। लोक उपक्रम समिति की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मीनाक्षी लेखी। तो दोस्तों इसमें लोकसभा के भी हैं और राज्यसभा के भी हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो दोस्तों इसमें भी 22 होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी इसके क्या है, अध्यक्ष है। उत्तर तीसरा सी देखो, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये 30 के 30 ही दोस्तों लोकसभा से चुने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों किससे चुने जाते हैं, लोकसभा से, और वर्तमान में प्राकलन समिति के अध्यक्ष है गिरीश भालचंद्र। इन समितियों का कार्यकाल 1 साल होता है और तीनों की तीनों वित्तीय समितियाँ हैं। दोस्तों मैंने बताया कि लोक उपक्रम में दोनों लोकसभा और राज्यसभा से बंदे निर्वाचित होते हैं, लोक लेखा में भी दोनों से निर्वाचित होते हैं, लेकिन प्राकलन से केवल लोकसभा। हमारा क्वेश्चन क्या है, राज्य सभा के सदस्य संबंध नहीं होते,
किससे? प्राकलन से। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बहुत ही गजब का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार करिए। दोस्तों एक बात क्लियर कर लो, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि न्यायिक समीक्षा जब जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं तो वो न्यायिक पुनरावलोकन ही है, वो किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत होती है। चलिए दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, कौन कौन सा सही है वो देख लेते हैं। नंबर एक, संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त है, यानी ये कहना चाहता है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है। दोस्तों एक बात बता दूं कि चलो पहले हम एक नंबर ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें किसी कानून अधिनियम को यदि डाल दिया जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों एक तकड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि केशवानंद भारती बनाम केरल मामला, जो कि 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णय देता है, यानी एक बहुत बड़ा निर्णय आता है 24 अप्रैल 1973 को। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा बशर्ते ये कानून या अधिनियम मूल अधिकार या संविधान की मूल संरचना यानी मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो संविधान संशोधन हो सकता है। एक प्रकार से दोस्तों पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची में उल्लेखित अधिनियम न्यायिक पुनरावलोकन से उन्मुक्त यानी छूट प्राप्त है। बाकी अंग्रेजी देखोगे ना तो दोस्तों आपके समझ में भी आएगा। देखें, एक्ट मेंशन इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी छूट प्राप्त है लेकिन छूट प्राप्त नहीं है। दूसरा देखो दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पुनः स्थापित किया गया। गलत बात। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस ऑप्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था, 42वें संविधान संशोधन में एक तकड़ी बात लिख दी संसद ने, पार्लियामेंट ने, कि केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाएगी यानी केंद्रीय कोई कानून बनेगा तो उस कानून की केवल और केवल न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकेगा, हाई कोर्ट नहीं कर सकेगा। हाई कोर्ट से न्यायिक समीक्षा के अधिकार छीन लिए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। लेकिन दोस्तों एक तकड़ा संविधान संशोधन हो गया अगला ही 43वां संविधान संशोधन 1977, जिसने हाई कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की पावर जो छीन ली गई थी उसे वापस दिलवा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी केंद्रीय कानून की न्यायिक समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट तो कर ही सकता है, साथ साथ हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 44वां न होकर के यहाँ क्या होना था? 43वां। इस प्रकार से ये भी गलत, ये भी गलत। चलो तीसरा देखते हैं, मेनका गांधी प्रकरण के बाद से कानून की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत भारत में व्यवहारतः परिवर्तन में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बात 1977 की है जब यहाँ भारत में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार बन गई। इस दौरान संजय गांधी की मैडम, जिसका नाम है मेनका गांधी, विदेश भ्रमण के लिए जा रही थी, तो उस दौरान जनता पार्टी की सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया और मेनका गांधी अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया आर्टिकल 21 के तहत कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, अर्थात कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना करते हुए विदेश जाने दिया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो सही है, ये बात तो सही है। डी ऑप्शन कहता है कि संविधान के मूल ढांचे की असंशोधनीयता एक न्यायिक संकल्पना है। आप अंग्रेजी देखो, चौथा, द अनअमेंडमेंटली ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए जुडिशियल कंसेप्ट। कितनी गजब की बात है दोस्तों। वही मामला केशवानंद भारती बनाम केरल मामला और 24 अप्रैल 1973 का दिन, जब 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक बड़ा डिसीजन दिया। बड़ा डिसीजन ये था कि संसद यानी हमारी पार्लियामेंट दोस्तों संविधान में संशोधन कर सकती है, उसे संविधान संशोधन की सीमित पावर है, यानी असीमित शक्ति नहीं है, सीमित पावर है, ठीक है, सीमित शक्ति है संशोधन करने की, ठीक है। अर्थात लेकिन वो दो चीज़ों में संशोधन कर नहीं सकती। नंबर एक, यदि वो मूल अधिकार में संशोधन करती है या संविधान के मूलभूत ढांचे में संविधान संशोधन करती है तो यह गैर संवैधानिक होगा, यानी मूल अधिकार और संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संविधान के मूल ढांचे में असंशोधनीयता एक न्यायिक संकल्पना है, जुडिशियल कॉन्सेप्ट है कि संशोधन नहीं किया जा सकता। असंशोधनीयता मतलब संशोधन नहीं किया जा सकता, किस में, मूलभूत ढांचा में। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब सही कौन सा है, सी और डी? ऑप्शन में सी और डी गड़बड़। आरपीएससी ने उत्तर नंबर एक माना था, बाद में आगे चल करके इसको, सॉरी उत्तर नंबर दो माना था, बाद में इसको डिलीट करना पड़ा। इस प्रकार से उत्तर नंबर सी और डी होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राज्य स्तर पर संस्थाओं और संगठनों से अधिक आंदोलनों और विचारधाराओं की राजनीतिक विरासत चिरस्थायी सिद्ध हुई है, यह कथन किसका है? 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3, योगेंद्र यादव एवं सुहास पलसीकर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, 1980 के दशक में विपक्षी दलों की कॉन्क्लेव राजनीति के दौरान किसने केंद्र को एक मिथक कहा? कितनी गजब की बात कही है। ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज इन 1980s, हु हैड टर्न्ड सेंटर एज ए मिथ, यानी केंद्र को एक मिथक किसने कहा? एम करुणानिधि, ज्योति बसु, आर के हेगड़े, एन टी रामाराव। दोस्तों एक नाम है एन टी रामाराव, नंदमूरी तारक रामाराव और एन टी आर के नाम से प्रसिद्ध एक महान हस्ती, आंध्र प्रदेश का वो व्यक्ति जिसमें फिल्मों में कहते हैं कि अपनी छाप छोड़ी और अंत में राजनीति का चस्का ऐसा चढ़ा कि एक नई पार्टी खड़ी कर दी, नाम था तेलुगु देशम पार्टी, दोस्तों टीडीपी। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना करने के बाद आंध्र प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले एनटी रामाराव, 7 बेटे 3 बेटियां और पहली पत्नी की मृत्यु, उसके बाद 70 साल की उम्र में अपने से आधी उम्र की औरत के साथ की गई शादी, जिसकी वजह से जवाई के साथ साथ बेटे और बेटियां सभी नाराज हो गए। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो कि इसका जवाई था एनटी रामाराव का, नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जिसका नाम आप जानते होंगे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब विपक्ष में है। चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो गए थे क्योंकि ये जवाई थे, सीधी सी बात है ससुर जी दूसरी शादी करे तो समस्या तो होगी। यहाँ से एक दिक्कत और शुरू हो गई, इनकी जो नई पत्नी थी लक्ष्मी, कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इससे भी खफा हो गए थे क्योंकि उसने भी
चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया था। एक समय ऐसा आया दोस्तों 1993 के बाद की बात करें तो एनटी रामाराव परिवार से अलग हो गए, 7 बेटे 3 बेटियों से रिश्ता तोड़ लिया और खुद चले गए कोमा में। ऐसी स्थिति में केवल और केवल लक्ष्मी के साथ जीवन व्यतीत करते करते एक दिन स्वर्गवास हो गया। नाम था एनटी रामाराव। आज उन्हीं एनटी, हाँ एक बात और मैं बीच में भूल गया दोस्तों, एनटी रामाराव का जवाई चंद्रबाबू नायडू, जिसने एक समय ऐसा आया था जब एनटी रामाराव को पार्टी से बाहर निकाल दिया, जिस व्यक्ति ने पार्टी बनाई, पार्टी को सींचा, जिस पार्टी को बड़ा किया, उसी पार्टी से यदि कोई बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा। जैसे ही पार्टी से बाहर निकाला, अगले ही दिन एनटी रामाराव ने चंद्रबाबू नायडू के बारे में एक शब्द कहा था, धोखेबाज, औरंगजेब, कई शब्दों से उन्हें नवाजा था। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4, एनटी रामाराव। अगला हमारा एक और जोरदार प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय सूचीबद्ध है। 12वीं अनुसूची आप सभी जानते होंगे नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में संसद में लाया गया, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 12वीं अनुसूची में 18 विषय निर्धारित हुए। दोस्तों भाग 9 क जोड़ा गया, क्योंकि पंचायती राज के लिए 9वां भाग है और नगर पालिकाओं के लिए 9 क और सहकारिता के लिए 9 क है, तो इस प्रकार से 9 क जोड़ा गया और आर्टिकल जोड़े गए 243 पी से लेकर के 243 ZG तक। ये था नगर पालिका का उत्तर नंबर 1। अगला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर, एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है संबंधित राज्य। दोस्तों पहले हम राजस्थान को समझ लेते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के तीनों स्तर की बात करें, दोस्तों सबसे नीचे का स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, क्या है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर है जिला परिषद, क्या है जिला परिषद। यहाँ पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर यानी राजस्थान में पंचायत समिति है, इन राज्यों में क्या है चेक कर लेते हैं। तालुका पंचायत कहाँ है, गुजरात में, कहाँ गुजरात में। आंचलिक पंचायत कहाँ है, असम में, कहाँ असम में। मंडल परिषद कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और जनपद पंचायत छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक और गजब का क्वेश्चन, स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर निर्मित भारत का पहला राज्य, नाम है आंध्र प्रदेश 1953 में, वही राज्य जिस पर हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले एनटी रामाराव की और चंद्रबाबू नायडू वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ब्लॉक स्तरीय नियोजन की जिस समिति ने सिफारिश की थी उसका नाम क्या है। नंबर 1 GVK राव समिति, नंबर 2 दांतेवाला, नंबर 3 हनुमंत राव, नंबर 4 ML सिंघवी। इस प्रश्न का जवाब होगा दांतेवाला समिति। दांतेवाला समिति ने ब्लॉक स्तरीय नियोजन की सिफारिश की थी, उत्तर नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों आपको याद होगा हमारी राज्यसभा को एक विशेष पावर है जो लोकसभा को नहीं है, आर्टिकल 312 के तहत एक अखिल भारतीय सेवा की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत। लेकिन कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत, ठीक है। लेकिन दोस्तों राज्यसभा जैसे ही प्रस्ताव पारित करेगी उसके बाद में लोकसभा में भी जाएगा और उसके बाद अंत में राष्ट्रपति के पास। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, GVK राव समिति। दोस्तों GVK राव समिति 1985 में स्थापित हुई थी,
ठीक है, ये एक समिति है जी वी के राव दोस्तों, इन्होंने जिला परिषद सीईओ के बारे में बात कही थी और इन्होंने ग्रामीण विकास की चर्चा, ग्रामीण विकास की विद्यमान व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की थी और इन्होंने जिला विकास आयुक्त यानी जिला परिषद सीईओ की पद सृजन की सिफारिश की थी। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों, इन्होंने सामुदायिक विकास के बारे में तो बात करी थी, साथ ही साथ इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात भी की थी। एम एल सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी 1986, बलवंत राय से मेहता समिति 1957 और एम एल सिंघवी दोस्तों, एम एल सिंघवी 1986, एम एल सिंघवी समिति ने विकास हेतु पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्ऊर्जाकरण की बात कही है और ग्राम सभा को सर्वाधिक महत्व देने की बात कही थी। अशोक मेहता समिति, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्यक्ष चुनाव की चर्चा की थी अशोक मेहता समिति ने और स्थापना कब हुई 1977 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, चलिए जिन राज्यों ने वर्ष 1969 में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया वे थे। नंबर दो उत्तर होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों राजस्थान में 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज की शुरुआत नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई थी। इसी साल आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1969 को त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत हुई। दोस्तों राजस्थान में 2 अक्टूबर, आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, यानी CVC की स्थापना। दोस्तों संथानम समिति, कहते हैं कि 1962 का दिन था जब तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य के संथानम की अध्यक्षता में संथानम समिति बनाई 1962 में। संथानम समिति में एक संथानम खुद और 4 अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस 2 अन्य अधिकारी सदस्य थे, तो 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। दोस्तों इन्होंने सिफारिश की थी भ्रष्टाचार निरोधक संगठन की और इसी के साथ स्थापित हो गया 4 फरवरी 1964 को CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इस आयोग का आयुक्त वर्तमान में कौन है, संजय कोठारी। कौन है, संजय कोठारी, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों ये था आज हमारा 43वां वीडियो पॉलिटिका। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में भारत के भूगोल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, थैंक यू।